सूर्य देवताएं दर्शन दे दिए हैं और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सनबात। आराम से शरीर को करता हूँ पूरा गर्म। अब देखिए हमारे शहर देखिए कोहरे की चपेट पूरे आए हुए, ये सारे हम मैं पहुंच गया हूँ अभी भीमताल से करीब 5 किलोमीटर नीचे हूँ और नीचे हल्द्वानी शहर पूरा रुद्रपुर पूरा प्लेन्स एरिया में इतना भयंकर फॉग छाया हुआ है आप देखो, और वहाँ तो धूप आ रही है नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ देखो पहाड़ का मौसम में देखो कितना मज़ेदार है, गर्मियों में भी सुकून और ठंडों में भी सुकून। और इधर खड़ी है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बाइक, मेरी गर्लफ्रेंड। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें की हुई हैं। एक तो इसमें लाइट लगाई हुई है मैंने, ये हाले की टाइप की लाइट है ये जो अप्रॉक्सीमेटली 1500 की पड़ी इंस्टॉल करने के बाद, और मैंने अपने चैनल का नाम लिखवा दिया इसमें यूट्यूब आदि ब्लॉग्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है। और मैंने इसमें एक सीट कवर डाला हुआ है, मैं कहीं 100 किलोमीटर इसे चलाया, रिवेरा का पीयू है और 12 mm की फॉर्म लगाई हुई है, थोड़ा कंफर्टेबल है। अगर आप देखोगे थोड़ी विड्थ काफ़ी बढ़ गई है सीट की मेरी इसकी वजह से, और थोड़ा आरामदायक है मेरे को। मैं 100 किलोमीटर के बीच करीब चला रही तो मुझे आरामदायक लगी। अपना बाइक पूरा स्टॉल हो गया, इधर अपना हेलमेट पे लगा हुआ गोप्रो, और गोप्रो के लिए मैंने लिया है उलझानी का एक केस और साथ में लिया है माइक अडैप्टर, जिसमें अभी क्या था वॉइस की जो प्रॉब्लम थी अब वो थोड़ी दूर हो जाएगी। तो भाई साहब ठंडा इतना विकट है, ठंडा विकट है। अगर मतलब मेरे कहने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं हुई हल्द्वानी से, मैं सोचता था कि आपका कहीं धूप में बैठूंगा और वहां बैठ जाके ब्लॉग करूंगा, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। आप ग्लव्स कैसे भी ले लो ठंडा तो लगेगा लगेगा। इनर पहना हुआ है ग्लव्स के अंदर, बाहर से ग्लव्स पहना हुआ है और एक जैकेट ये पहनी हुई है, इसके अंदर स्वेट शर्ट पहनी हुई है, इसके अंदर एक इनर पहनी हुई है, इसके बाहर से एक और जैकेट पहनी हुई है, फिर भी पता इतना ठंडा लग रहा है। और नीचे ट्राउजर पहना हुआ, ट्राउजर के अंदर फ्री इनर पहनी हुई है और अपने पैड लगाए हुए हैं फुट पैड, फिर भी बहुत ज्यादा ठंडा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। अभी मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है, पहले आदि उपाध्याय था, आदि ब्लॉग्स हो गया, थोड़ा वो नाम थोड़ा अटपटा टाइप का लगा था इसलिए। तो फिलहाल अभी मैं हूँ भीमताल में और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए कहूँ, और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नीचे पूरा हल्द्वानी शहर पूरा कोहरे की चपेट में दबा हुआ है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर धूप में, और धूप में बैठने का मजा ही कुछ और है। तो चलते हैं, आज का जो टारगेट है वो पहुँचना है मेरे को मुंशियारी शाम तक। अगर नहीं पहुँच पाया तो कहीं बीच में कहीं स्टे करना पड़ेगा, ये होता है। और अभी टाइम हो रहा करीब 8 बजे देखे मॉर्निंग के, तो देखते हैं आगे रास्ता। मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर दिखाता हूँ आपको। सफर की शुरुआत हुई थी हल्द्वानी से, मैं अपने माइक का अडैप्टर ऑन करना भूल गया था कैमरा मोड पे, तो उसकी वजह से मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी रूम पे आके, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने हल्द्वानी से सफ़र स्टार्ट किया था, ये नैनीताल रोड पे से सफ़र स्टार्ट हुआ मेरा, और मैंने हल्द्वानी के एक पेट्रोल पंप से, नैनीताल रोड के एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में ऑयल फिल किया था। कुछ ऑयल मेरी गाड़ी में पहले से ही था, लेकिन बाद में मैंने करीब 720 अप्रॉक्स का 9.5 लीटर तेल मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया था मुंशियारी जाने के लिए, इसलिए मुझे अडैप्टर ऑफ होने की वजह से मुझे ये कुछ पहली जो रिकॉर्डिंग थी मेरी ये मुझको रूम पर आके करनी पड़ी। इसके बाद आपको जो भी मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, इसके लिए मुझे माफ़ करना, हो जाता है कभी कभी गलती इंसान से होती है। तो अब देखते हैं इससे आगे का सफ़र। ताल भवाली खैरना पार करने के बाद मैं आ गया हूँ अल्मोड़ा वाले रास्ते पे, इसलिए था एक टी ब्रेक क्योंकि रास्ते में काफ़ी ठंडा था। भवाली से लेके खैरना था कितना विकट ठंडा था, धूप आँखी धूप आँख थी मेरी, जो पाँव में और हाथों में ठंडा लगता ना वो काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर थोड़ी धूप थी तो मैंने कहा एक टी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा मजा लिया जाए, उसके बाद आगे का रास्ता तय करते हैं। करीब 220 किलोमीटर होगा और टाइम हो गया करीब 10:30, और अभी मैं अल्मोड़ा भी पहुंचा, अल्मोड़ा पहुंचने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, पता नहीं
भाई साहब अल्मोड़ा शहर पूरा क्रॉस करने में लग गए हैं करीब आधा घंटा, क्योंकि इस सड़क इतनी नैरो है उसकी। डियर पार्क ऊपर को जाना है, बाड़ेछीना ऊपर को जाना है, जागेश्वर धाम नीचे को कौन सी रोड चलेगी परी को जाना होगा फिर। चलो देखते हैं यार कहाँ जा रहा रहता है। नीचे को भी एक रोड गई है, ऊपर को रोड गई है, लेकिन अपने ही डेस्टिनेशन का नाम कहीं नहीं लिखाया अभी तक। क्या चक्कर है बाबू भैया, क्या चक्कर है? आगे जाके ही पता चलेगा लग रहा है। धूप बड़ी मस्त आ रही है अभी यहाँ पर, तो ठंडा बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पर, मौसम बिल्कुल सही है, हल्का हल्का जा रहा है, लेकिन इतना नहीं है। वहाँ मेरे भवाली साइड में मेरे हाथ पांव पूरे कांप गए थे भाई एक टाइम पे, तो एक टाइम तो लग रहा था कि ब्लॉगिंग बस की बात नहीं है। हिम्मत करके उस ठंडे को पार करके एक दुख के बाद सुबह आया, धूप जा रही थी, थोड़ा गर्म भी लग रहा था कि दिक्कत नहीं है, जो मतलब हाथ पांव ठंडे हुए थे वो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। ये पूरा देखो इधर, पूरा देखो अल्मोड़ा शहर कह रहे हैं, इतना कंजेस्टेड है ना भाई साहब, इतना कंजेस्टेड है, अंदर रोड भी कंजेस्टेड है और शहर भी कंजेस्टेड है। देखो सारे मकान चिपके चिपके हैं उसमें पूरे, वो दिख रहा पूरा शहर इतना ही पीछे की ओर, और नहीं ये बैक साइड है, फ्रंट साइड उस साइड है, उतना ही बड़ा है और काफ़ी बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट है वैसे बड़ा तो होना ही चाहिए। चलो देखते हैं आगे यार क्या हिसाब किताब है, रास्ता काम था कहाँ पर जा रहा है। तो ऐसा लगा कि बहुत रिजन जगहों पे आ गया हूँ, यहाँ दुकान ना कोई मकान एरिया। तो भाई साहब दिन के बजे हैं 12 करीब, ठीक है, अभी तक था सूर्य ग्रहण था आज, तो सारे मंदिर क्लोज थे। मैं पहुंच गया हूँ जितई मंदिर, ठीक है, मैं जितई मंदिर पहुंच चुका हूँ। अब मैं अपनी बाइक एंकर करता हूँ, तब तक मैं आता हूँ गोलू देवता जी के दर्शन करके, फिर आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मंदिर का ब्लॉग मैं पहले बना चुका हूँ, उसको हम दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो देख लूँगा आप, तो मैं आता हूँ साहब। पहुँच गए हम लोग सेराघाट, देखते हैं यार कहीं होटल मिल जाए खाने वाला। एक ऊपर था लेकिन वहाँ खाना ख़त्म हो गया, क्या क्या है खाने में? खाने में क्या क्या है? खाने में दाल रोटी चावल मीट सब्जी लुगा हुआ। अच्छा वेज मिल जाएगा ना, वेज का ना? तो लंच वंच कर लिया, इसके बाद अब निकल रहे हैं वापस। टाइम 3 बज गया यार, वहाँ पर धूप अच्छी थी तो मैं कहा कुछ देर धूप सेक लेता हूँ। सामने पुल है, जगह का नाम है सेराघाट। यहाँ पे सरयू नदी का संगम होता है किसी छोटी नदी से, इसलिए सेराघाट नाम है। एक बार में एक ही वाहन करें क्रॉस, ये नीचे बह रही है सरयू नदी पूरी, और सामने का व्यू जबरदस्त है। बेरीनाग 35 किलोमीटर, गंगोलिया 47 किलोमीटर, चौकली 45 किलोमीटर, तो मुझे 5 यहीं बच जाएंगे चौकड़ी में। तो आज ऐसा करते हैं चौकड़ी रुकते हैं, क्योंकि मुंसारी वहाँ से करीब 100 किलोमीटर और है, और फिर रात के अंधेरे में और ठंडे में गाड़ी चलाना बहुत टफ है। तो देखते हैं चौकड़ी में कैसे होटल है, कैसे रहने की सुविधाएं हैं और कैसा वहाँ का व्यू है। हिल स्टेशन में काफ़ी फेमस है, तो आज की जो रात बीतेगी वो चौकी में बीतेगी।
देखते हैं आगे कौन कौन सी प्लेस है। साथ में अंकल ने, होटल वाले अंकल ने बताया कि बोला चौकड़ी अच्छा है रहने के लिए, तो चौकड़ी रहना है। देखो जी बहुत दिनों बाद दिखाई दी मेरे को, ऐसी इतनी दूर यहीं है, ये तो वरना विलुप्ति की कगार में थी ये जीप भी। महिंद्रा की पुरानी जीप बहुत पहाड़ों पर चलती थी, मैंने कई साल बाद देखी होंगी ऐसे सवारी ले आते हुए। पहुंच गए भैया बेरीनाग, ये पूरी बेरीनाग की मार्केट। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूँ, इस बार टूथब्रश लाना भूल गया हूँ, तो यहीं से खरीद लेते हैं कुछ सामान। यहाँ एक टूथब्रश और एक कोल्ड क्रीम, दो चीज़ें खरीदनी हैं जो जो मैं भूल चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं चौकड़ी। बागेश्वर 58 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई साहब हो गया है पूरा अंधेरा। एक्चुअली बेरीनाग में मेरे को कोई मेरा चित परिचित बड़े भाई की तरह हमारे गगन भाई मिल चुके थे, तो कुछ देर में उनके साथ बैठा, तो उसकी वजह से हो गया अंधेरा। क्योंकि मैं पहुंचा था बेरीनाग वो करीब आपके 4:45 होते, अभी हो रखे हैं 5:45, एक घंटा करीब उनके साथ बैठा, तो मुझे हो गया करीब अंधेरा होने लग गया। तो फिलहाल मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, कंसल्ट किया कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए। बेरीनाग रुकने के लिए लोगों ने मना कर दिया कि बेरीनाग, क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है मुंशारी, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल पूरा का पूरा कर लूँ ताकि डिस्टेंस कम हो जाए। इसमें अभी यहाँ पर कोई जगह है उडियारी वेंट, वहाँ पर भी होटल है, 4-5 होटल वहाँ पर हैं, और चौकड़ी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी सीज़न टाइम भी चल रहा है, क्रिसमस है और न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए वो फुल भी रहेगा, ये गारंटी नहीं कि वहाँ होटल मिल जाएगा। तो पहुँच गए भैया हम लोग उडियारी वैंड। नीचे ही रोड जा रही है मुंशारी का, और ऊपर रोड जा रही है बागेश्वर कर्णप्रयाग ग्वालदम कौसानी। अब यहीं कहीं होटल देखने पड़ेंगे। रूम मिल जाएगा या होटल में कहीं रूम? कौन सब बता रहे हो डायरी बैंड? नीचे है उडियारी बैंड, ये नीचे को एक रोड चले गई मुंजारी को, ऊपर चली गई चौकड़ी बागेश्वर को होते हुए, चौकड़ी बागेश्वर जाएगी रोड कौसानी को। और यहाँ पर मैंने एक होटल लिया है, नाम मैंने अभी देखा नहीं इसका क्या था, जल्दीबाजी में लिया। और यह है होटल का रूम, 500 रुपीज चार्ज बोल रहे थे, मैंने कहा मैं अकेला हूँ भाई तो थोड़ा कम करो, तो बार्गेनिंग करके 400 में मेरे को ये रूम मिला हुआ है। रूम काफ़ी अच्छा है, वेल मैनेज्ड रूम है। सामान भी बिखेरना है कुछ देर बाद, ये बैग पड़ गया, इधर अपना पूरा रख दिया, इधर टीवी रखा हुआ है रूम पे, इधर इसका वॉशरूम है। अच्छा है मतलब होटल, 400 रुपये में काफ़ी किफायती होटल है। अगर ऐसा किसी नैनीताल में हम लोग लेते तो हम लोग को देने पड़ते 2,500-3,000 रुपये। रूम मैंने ले लिया उडियारी बैंड में, बेरीनाग से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना, इसमें बहुत महसूस बनाया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ठंडे से गुजरते हुए पहुंचा हूं बेरीनाग, क्योंकि पहले मैंने हल्द्वानी का कोहरा देखा, उसके बाद मैं पहुंचा भीमताल वहां धूप से की, उसके बाद जो भवाली से लेके खैरना तक मेरे को जो ठंडा लगा है मैं जानता हूं, उसके बाद फिर मैंने धूप से की थोड़ा आगे काकड़ी घाट पे, उसके नेक्स्ट दिन फिर मैं अल्मोड़ा पहुंचा, अल्मोड़ा तक मुझे कोई ठंडा नहीं लगा, चितई मंदिर तक ठंडा नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं धना चुली नहीं है आपका, उसका नाम है बाड़ीछीना और धौलीछीना के बाद से लेकर सेराघाट तक जो विकट ठंडा था वो मैं जानता हूँ। उसके बाद बेरीनाग से लेकर उडियारी बैंड तक जब मैं आया, और उसके बाद जो यहाँ जो ठंडा था रू काम की सही में,
तो इसलिए यार दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा बन चुका है और लंबा ब्लॉग देख के लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं बोरियत वाला वीडियो बनाता नहीं हूँ कभी। मैं चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा मैं देख सकूँ, दिखा सकूँ आपको, उतने मैं अपनी ओर से प्रयास करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा दिखा सकूँ उत्तराखंड की खूबसूरती। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।